आपको स्वागत है मेरा ये फेसबुक लाइव में, जो लाइव का नाम है शुक्रवार की रात से अरविंद के साथ। ओके, तो आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो एक नॉन इंडियन डिश है, तो उसका नाम है चिकन स्टोगनफ, फेतो चिली चिकन स्टोगनफ। ठीक है, तो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा हम लोग देखते हैं। अनियन चॉप जो मैंने ऑलरेडी फेसबुक में दे चुका हूँ, हाँ, बटर, चॉप गार्लिक, ऑलिव ऑयल, चीज़, नॉर्मल चीज़ जो है, और ब्लैक पेपर क्रस, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, क्रीम, कैरेट जुलियन, बेल पेपर जुलियन, वाइट सॉस एंड स्टॉक वाटर एंड जैसे ऑनियन रिंग एंड चिकन बोनलेस एंड मशरूम। ये मशरूम मैं आपको बोलूँगा जो कौन सा मशरूम है, तो ये आपको हमको एक लाइक करवा अगर कमेंट्स बुक में आप दीजिएगा ये कौन सा मशरूम है, तो एक आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये ओरिजिनल जो क्या मशरूम है मैं आपको बोलूँगा ये क्या मशरूम है। ठीक, तो हम लोग पहले से जो है फेटोचिली पास्ता जो है ये हम लोग आगे से रेडी कर चुके थे और इसका मेन वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कैसा करके ये फेटोचिली पास्ता बनाना है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में लाइव का साथ जब मैं इसको पोस्ट करूंगा लाइव शो, तो जब मैं ये कैसा करके बनाते हैं वो मेरे पास्ता, तो मैं वो आपको वीडियो शेयर करूंगा। ओके, तो पहला हम लोग लेते हैं एक फ्राई पैन, इसको हम लोग थोड़ा सा गर्म कर देते हैं मीडियम लो फ्लेम में। और पहले हम लोग क्या करना है थोड़ा ग्रिल करना है, तो ग्रिल क्या करना है तो ये देख रहे हैं हम लोग जो बोनलेस चिकन लिए हैं तो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बोनलेस चिकन है जो इसको हम लोग थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, इससे थोड़ा सा सॉल्ट देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें सॉल्ट देंगे, नमक जो है देंगे, और इसमें हम लोग देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर और कुछ नहीं। ठीक है, इसको फिर जो है हम लोग फ्राई पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल इसको ग्रिल करने के लिए। हाँ देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था लाइन। ठीक है, तो हम लोग फिर से थोड़ा कर रहे हैं इसको, तो हम लोग फ्राई पैन में ले लिया थोड़ा सा तेल इसमें से, और इसको हम लोग जो चिकन है चिकन जो मैरिनेशन कर रहे हैं देख रहे हैं इसे सॉल्ट पेपर दे चुके हैं इसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रिल करेंगे फ्राई पैन में। सर क्यों नहीं बोलो ये रूम होना, अच्छा ओके, तो इसमें हम लोग देते हैं देख रहे हैं फ्राई पैन में हम लोग ये चिकन को थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे ब्राउनीज। अगर सोच रहे हैं ये तो नॉन वेज है तो आप इसको वेज भी बना सकते हैं, आपको कोई भी वेजिटेबल लीजिए, ब्रोकोली लीजिए बा कुछ भी, जितना सारा इंग्लिश वेजिटेबल जो मार्केट में मिलते हैं, ब्रोकोली है जैसा, जुकनी है, हाँ, कैरोट है, कैप्सिकम है, तो इसको डाइस करके आप भी इसको ग्रिल करके भी बना सकते हैं, तो ये दिक्कत नहीं है जो आप इसको चिकन नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो फेसबुक फ्रेंड है तो वो लोग ने मेरे को ज़्यादा प्रिफर करते हैं नॉन वेज, तो मैंने नॉन वेज बनाया। ऐसा कोई बात नहीं, मैं लाइव में वेज भी बनाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा जो है चिकन को मैं लोग फिर ग्रिल करूँगा। ठीक है,
तो देखना है जो चिकन है इसको अच्छा से ग्रिल करना है यहाँ पे। अगर जरा सा मैंने तेल लिया है इसमें, ठीक है, अगर आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी ग्रिल जब कर रहे हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा तेल यूज़ किए हैं, रिफाइंड तेल जो है वो यूज़ किए हैं, तो इसको उसको ग्रिल करना है हल्का सा ऐसे करके, देख रहे हैं, ठीक है। और सबको का थैंक्स, जितना जन मेरा ये ग्रुप जो है मेरा ये फेसबुक पेज पे जो लोग लाइक और कमेंट करते हैं, और जो लोग मेरा ये फेसबुक लाइव पेज में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं उन लोगों सबको को मेरा तरफ से बहुत सारा प्यार, धन्यवाद और नमस्ते। और मैं एक अपना ग्रुप भी क्रिएट किया हूँ, तो आप मेरे फेसबुक में जाके मेरा ग्रुप भी देख सकते हैं, उसमें आपका जितना सारा जो है आप घर में भी कुछ भी होममेड कुछ खाना बनाते हैं तो उसका वीडियो अपलोड करिए उस चैनल पे, ठीक है, वो ग्रुप में आप अपलोड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मशरूम लेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, और मशरूम को हमको तो काटना है, मशरूम काटने के आगे मशरूम को अच्छा से धो लीजिएगा, ठीक है, जब तक वो ग्रिल हो रहा है ये हम लोग मशरूम को थोड़ा धो ले और काट ले। आप कोई भी, मैं ये क्या मशरूम लिया मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, हाँ, ये आप कमेंट्स बॉक्स में पहले दीजिएगा जो मैंने कौन सा मशरूम लिया है, आप कोई भी दूसरा भी मशरूम ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी कट कर सकते हैं इसमें, हाँ, लंबाई में छोटे में कुछ भी चॉप या जूलियन स्टाइल में कट सकते हैं। इसको बॉईल करने का भी दरकार नहीं, डायरेक्ट हम लोग फ्राई पैन में इसको ग्रिल करेंगे और इसको बना लेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं चिकन को और बाकी है इसमें, ये जब तक ग्रिल होते रहेगा हम लोग क्या करेंगे दूसरा एक ओवन लेंगे, ओवन में इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ये होते रहेगा तब तक हम लोग मेन जो है डिश बना है। ये जब तक गर्म होगा इसमें हम लोग डालेंगे पहला ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल में क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा गार्लिक लेंगे, जो हमारा जो है फेटुचिली पास्ता है उसको हम लोग थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, ठीक है। ये गार्लिक लिया मैंने थोड़ा सा और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, देख रहे हैं इधर भी चिकन भी हो रहा है, चिकन भी ग्रिल हो रहा है। पहले से ये पहले से मेरे फेसबुक लाइक नहीं आए लोग, बाद में मेरा फेसबुक में पोस्ट हो जाएगा, वह मेरा यूट्यूब चैनल है अस्ते अरविंद जी, उसमें भी आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। और जो मैंने बोला था चीज से जो मैंने जो बेसिकली पास्ता जो बनाया है होममेड पास्ता है, ये आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं लेकिन मैंने घर पे बनाया, तो इसका पूरा जो मैंने वीडियो अपलोड मैं कर दिया हूँ ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें देख लूंगा, ठीक है। तो यह जो पास्ता को और इसमें थोड़ा सा नमक,
थोड़ा थोड़ा तीखा चाहिए तो उसमें से थोड़ा सा चिली सॉस डाल सकते हैं, हल्का, और बटर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इधर भी हमारा ग्रिल जो है चिकन हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग चिकन नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग वेज भी बना सकते हैं। ब्रोकोली लीजिए, इंग्लिश जो वेजिटेबल मिलता है मार्केट में, ब्रोकोली, जुकनी, चेरी टमाटो, थोड़ा सा छोटा जो स्मॉल कैबेज भी मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको हो गया है मेरा, इसको हम लोग साइड कर लेंगे थोड़ा। वापस फिर फ्राई कर लिया, फिर से मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आपको चिकन हो रहा है यहाँ पे ग्रिल ब्राउन हो जाए, और ये मैं साफ साफ कर रहा हूँ क्यों, ये सॉफ्ट रहेगा चिकन। अब इसमें डालूंगा मैं गार्लिक, ढेर सारा गार्लिक दे रहा हूँ मैं, गार्लिक और जो अनियन मैंने चॉप किया है उसको मैं एक साथ डालूंगा, क्योंकि हमको दोनों, मैं अगर प्याज दे देता हूँ तो प्याज पहले हो जाएगा गार्लिक फिर बाद में होगा, इसलिए मैं ये दोनों को एक साथ, जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा चिकन देख लेते हैं। और थोड़ा बाकी है इसमें, इसमें थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अगर आप लोग कुछ चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को पूछ सकते हैं। श्रीदेव, थैंक यू श्रीदेव फॉर वॉचिंग। आपको ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा, लाइक शो में जल्दी तो प्याज ब्राउन नहीं हो जाएगा ना, तो इसलिए वेट करके करके घूमना है। ऑलमोस्ट हमारा जो है चिकन हो चुका है, हम लोग बंद कर दिए, हम लोग कर देंगे अलग से, इसको हम लोग को अच्छे से ब्राउन करना है। साथ साथ हम लोग के पास जो मशरूम है इसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे, अनियन का साथ ये भी से ब्राउन हो चुका है, इस समय जो है मार्केट में आपको वेराइटीज मशरूम मिल जाएगा,
क्योंकि बरसात आ रहा है, बरसात में क्या हमारा जो इंडिया पे गांव में थोड़ा गांव में जो जंगल है, जंगल में भी बहुत सारा मशरूम अभी पूरा नेचुरल मशरूम आपको मिलेगा। हाँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मशरूम, लगता है इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगेगा इसमें। पहले मैं जो बोला हूँ आप लोगों को, मैंने थोड़ा सा वाइट सॉस बना के रखा हूँ, तो वाइट सॉस जो है सब इजी है। आप अगर एक लीटर दूध में बनाइए तो वाइट सॉस, तो क्या होता है आप एक लीटर दूध में 100 ग्राम आपका बटर और 100 ग्राम मैदा, उसको अच्छा से हल्का आंच में उसको पकाना है, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर आपको वो मिल्क डाल के उसको गाढ़े करना है। ठीक है, तो पहले जब मिल्क बॉयल करेगा तो उसमें क्या करेगा, एक ऑनियन में एक बे लीफ को मोड़ के उसमें थोड़ा लौंग को थोड़ा सा उसमें पूस करके उसमें वो मिल्क में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक फ्लेवर आएगा उसमें आपको मिल्क में। ठीक है, फिर जब तक आपको दूध उबाल हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ये जो है बटर और मैदा का जो रूह बनाएंगे हम लोग, आपको मैं वो दिखा दूंगा कभी एक वीडियो करके जो कैसा वाइट सॉस बनता है। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ जानकारी चाहिए जो कैसा बनता है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, काफ़ी टाइम लग रहा है ये ब्राउन होने में क्योंकि एकदम फ्रेश है, मैंने इसको आगे से कहीं बॉयल नहीं करके रखा था मशरूम को, क्योंकि अगर मशरूम का जो मैं आगे से वो टेस्ट चला जाएगा अगर मैं बॉयल कर दूंगा उसको। ब्राउन करना ही है और है, मैंने एक संडे को भी मैंने अपना एक रेसिपी डाल रहा हूँ अपने मेरा फेसबुक चैनल पे, तो उसका नाम है हर संडे का अलग फंडा, तो आप मेरे वो कल देख सकेगा मेरा पोस्ट मेरे फेसबुक लाइव में फेसबुक चैनल पे। ठीक है, छोड़ देंगे ब्राउन होने पे। और हम लोग इसमें देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और मैंने इसलिए दिया तो जितना है मशरूम का पानी है अंदर ये छोड़ देगा। करीब मेरा 90 से भी ऊपर, अभी वन वीक में मेरा 90 से भी ऊपर फेसबुक पेज में मेरा लाइक आया है एंड फॉलोअप्स आया है, तो सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल पे आप लोग रेगुलर बेस मिलेगा इसमें, और आप लोग अगर चाहते हैं कुछ आप लोग कोई रेसिपी अगर डिमांड करते हैं तो भी मैं पूरा करूँगा। मैं कल भी एक कल सैटरडे है, सबको का छुट्टी है, आज फ्राइडे है, सबको का ऑफिस स्कूल वगैरह जो था हो चुका है, स्कूल तो शायद बंद होगा, सब स्कूल बंद है अभी कोविड 19 का सिचुएशन में। हाँ, ज़्यादातर आदमी बहुत कोई बाहर घर पे ही है,
सिक्वेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। सबको भी मैं बोलूँगा, अभी को कोरोना का टाइम है, सबको अपना जो कोरोना का जो सिचुएशन है उससे मुकाबला करिए, डरिए मत, लड़िए। थोड़ा सा जब तक ये ब्राउन नहीं होगा, ये इसका जो कलर वो आएगा नहीं। सगुना अब क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसमें चिकन भी डाल दूंगा, इसमें जो मैंने ग्रिल किया वो, क्योंकि तो जो इसमें जो इसमें से थोड़ा दोनों मिलके अच्छा सा ये ग्रिल हो गया। ये फ्राई पैन में अच्छे से ब्राउन हो जाएगा दोनों मिलके। मैंने तो चिकन को ऑलरेडी ग्रिल कर चुका हूँ, तो जब फ्राई पैन में जो है, फ्राई पैन में थोड़ा सा जो है ये मशरूम का साथ और थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाएगा इसमें। देख रहे हैं हल्का सा कलर आ रहा है इसमें, मेरा जो छोटा छोटा जो ऑनियन मैंने चॉप किया था इसमें, देखिए वो भी लाइट बर्न हो रहा है इसमें। और जो है आपको स्टॉक वाटर चाहिए ये स्टोगनफ के लिए, तो मैंने आगे से किया था एक जो चिकन से भी मैंने नॉनवेज एक स्टॉक बना दिया था, तो आप लोग वेज भी स्टॉक डाल सकते हैं। वेज स्टॉक में क्या है, आपको थोड़ा सा गार्लिक देना है, थोड़ा सा बटर देना है और थोड़ा सा गार्लिक देना है, और जितना सारा आपका कटिंग किया हो वेजिटेबल हो, वेस्टेज हो, जो भी हो, अच्छा से उसको साफ करके उसमें डालना है। क्या होता है, जब हम लोग होटल में काम करते हैं तो हमारा जितना सा पील, हम लोग जो पील करते हैं, गाजर जो है, बीन्स है, जो सारा चीज़ है वो अच्छा से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद एक वेजिटेबल स्टॉक होता है उसमें हम लोग डालते हैं पानी देके, तो क्या होता है पूरा दिन वो बॉयल होते रहता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं फिर से उसको अच्छा से स्ट्रेन करके रख देते हैं कोई भी खाने पे यूज़ करने के लिए, कोई भी इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल हो और चाइनीज़ हो, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़ करने से क्या होता है खाने का टेस्ट जो है वो बढ़ता है और आपको सारा जो प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, वो पूरा मिल जाएगा उसमें। सॉरी फॉर ये थोड़ा कट चुका था वीडियो, नेटवर्क इशू था कुछ। देख रहे हैं ये ब्राउन हो चुका है, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग थोड़ा सा देंगे अनियन, ठीक है। बेल पेपर्स जो मैंने कलरफुल तीन कलर का बेल पेपर लिया हूँ, देख रहे हैं रेड, येलो एंड ग्रीन। मैंने इसको पहले नहीं डाला, क्योंकि अगर पहले इसको डाल देता तो आप जानते हैं जो बेल पेपर्स में थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले नहीं डाला, क्योंकि वो कलर जो है खराब कर चुके हैं, तो उसको मेरे को थोड़ा सा ब्रांच जैसा चाहिए, तो थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होगा तब इसमें हम लोग स्टॉक वाटर देंगे, स्टॉक वाटर देके मिलाएंगे। तो हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, को अगर ज़्यादा चिली फ्लेक्स पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। देख रहे हैं
देख रहे हैं इसको थोड़ा सा करना है इस टाइप से। अब क्या करना है इसमें थोड़ा सा स्टॉक वाटर जो है इसमें डालना है। इसको अभी इसको पकने देना है कुछ देर तक। हम लोग इसमें लेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा बटर, थोड़ा पकने के बाद देख रहे हैं ऑलमोस्ट जो है पक रहा है। हम लोग तेज आंच में करेंगे। थैंक यू आशु फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा मेरा क्या हुआ, थोड़ा वीडियो शायद लाइफ में मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ, आगे का जो वीडियो है मेरा कट हो चुका है, तो मैं ये कभी फिर से मैं आपको फिर दिखाऊंगा इसको कभी भी। तो अभी लाइव तो पहले मैं जब कर रहा था पूरा मेरा जो टाइमिंग था 7 PM से, तो वो शायद थोड़ा सा पहला जो कट हो चुका है, तो फिर भी मैं इसको आपको एक वीडियो करके फिर मैं यूट्यूब चैनल मेरा जो यूट्यूब चैनल है से पर दिन दिन उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हो चुका है। अब इसमें हम लोग थोड़ा देंगे व्हाइट सॉस, व्हाइट सॉस को अच्छे से मैश करना है इसमें। कोई परेशानी नहीं है, ऐसा हो सकता है मेरा जो लाइव शो पहला जो था वो थोड़ा मिस हो चुका है। और इसमें हम लोग देंगे चीज नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है। देखें कितना कलरफुल, क्या कलर लग रहा है आपको। और अगर आपको चिकन नहीं बनाना है तो आप उसमें ब्रोकली भी दे सकते हैं, वो भी खूबसूरत और खूब टेस्टी होगा उसमें। इसको लेना है इसमें हम लोग थोड़ा डालेंगे क्रीम। क्रीम नहीं रहेगा तो आप लोग मिल्क भी डाल सकते हैं। इसमें हम लोग डाल दिए क्रीम।
अगर आपको इसमें ऑरिगेनो देना है तो आप दे सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स और नमक के दिया हूँ। देख रहे हैं स्ट्रोगनॉफ मोस्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स दूंगा इसको टेस्ट लाने के लिए। नेहा थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी क्वारीज होगा तो आप मेरे को बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें से हम लोग फेटुचिनी पास्ता जो लिया हूँ वो इस बोल में डालूंगा। अब मैं इसमें स्ट्रोगनॉफ आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं और इसका ऊपर में भी देके सर्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर में गार्निश करेंगे और आप लोग इसको ऊपर में थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करके सर्व कर सकते हैं। तो सब कोई को आप देख रहे हैं मेरा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट पूरा। अब इसको आप गरम गरम सर्व करें और घर पे बनाइए कैसा लगता है मेरे को बोलिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करिए। तो नेक्स्ट फिर मेरा जो लाइव होगा फ्राइडे को आप लोग जरूर देखिए। थैंक यू।